फैक्ट नंबर एक गाइस, क्रिकेट टीम्स ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में मैदान जंग शुरू हो गया है। और ये कोई क्रिकेट वाली जंग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ ना खेलने की जंग है, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे खिलाड़ी अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि आपके देश में तालिबान लगातार महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, हर काम के लिए उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, और जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता हो, उस देश के साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ी कहां पीछे रहने वाले थे। स्पिनर राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग में खेलने से ही मना कर दिया और कहा कि अगर आप मेरे देश के साथ नहीं खेल सकते तो मैं भी आपके देश में आकर नहीं खेल सकता। फैक्ट नंबर दो गाइस, बात चाहे हाथ चलाने की हो या दिमाग चलाने की, MS धोनी की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। मतलब कि एक गलती और सामने वाले खिलाड़ी का खेल खत्म। और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प घटना भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे एक वनडे मैच की है, जब भारत की ओर से जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और क्रीज पर थे श्रीलंकाई बल्लेबाज रंगना हेरात। तभी जडेजा एक वाइड बॉल फेंकते हैं और बॉल धोनी के ग्लव्स में पहुंच जाती है और तब धोनी स्टंपिंग करने की एक्टिंग करते हैं, बावजूद इसके कि रंगना हेरात पहले से ही क्रीज में मौजूद हैं। लेकिन मास्टरमाइंड धोनी को पता था कि हेरात अपना बैलेंस खो बैठेंगे और क्रीज से बाहर निकल जाएंगे। अगले ही पल हेरात अपना बैलेंस खो बैठते हैं और उनका पैर ऊपर उठ जाता है। फिर क्या था, अपने तेज तरार धोनी ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए झट से स्टंपिंग कर दी। फिर नतीजा आप सब लोग जानते हैं। शेन वॉन के निधन के सिर्फ 2 महीने बाद ही क्रिकेट जगत में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई, जब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना की वजह से निधन हो गया। जी हां गाइस, एंड्रयू साइमंड्स एक ऐसे क्रिकेटर थे जो धाकड़ स्टाइल में क्रिकेट खेलने के साथ ही मैदान पर विरोधियों से उलझने के लिए जाने जाते थे, और जब भी वो क्रिकेट के मैदान पर होते थे तो अपना सब कुछ झोंक देते थे। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब में पूरी मेहनत दिखती थी, और उनकी यही मेहनत विरोधी खिलाड़ियों पर स्लेजिंग में भी दिखती थी। यही नहीं, अगर T20 फॉर्मेट थोड़ा जल्दी आता तो साइमंड और भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे। लेकिन फिर भी वो अपने रिटायरमेंट से पहले IPL में डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस टीम का भी हिस्सा बन चुके थे। गाइस, 2009 में उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया था और अब वो इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए हैं।